वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीके से पहली I2U2 कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। अमेरिकी सदर बाइडन, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म यायर लेपेट और मुतहदा अरब अमारात के सरबरा मोहम्मद बिन जायद भी इजलास में करेंगे शिरकत। अर्नाकुलम में INA की खुसूसी अदालत ने ISIS की मदद करने के मामले में 3 लोगों को करार दिया मुजरिम। तीनों मुमिना दहशतगर्द तंजीम के थे रुकन, मुल्क से बाहर जाने की कर रहे थे कोशिश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में मूसलाधार बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र के कई असला के लिए जारी किया ऑरेंज और रेड अलर्ट। मुतासर इलाकों में स्कूल 16 जुलाई तक रहेंगे बंद। सावन की कावड़ यात्रा आज से होगी शुरू। 26 जुलाई तक अकीदतमंद लाएंगे दरियाए गंगा का पानी और इससे करेंगे शिव की पूजा। ब्रिटानिया के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की दौड़ में सबसे आगे चलने वाले साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनक ने पार्टी अराकीन पार्लियामेंट की वोटिंग में हासिल किए सबसे ज्यादा 88 वोट। मुकाबले में बचे बाकी उम्मीदवारों के दरमियान आज वोटिंग का दूसरा मरहला। श्रीलंका के कायम मकाम सदर ने फौज को मुल्क में अमन अमान की बहाली के लिए तमाम जरूरी इकदाम करने की दी हिदायत। पार्लियामेंट के स्पीकर से कहा कि ऐसे वजीर आजम को करें नामजद जो अपोजिशन के लिए भी हो काबिल कबूल। पहले वनडे में 10 विकेटों की जबरदस्त जीत के बाद भारत आज लॉर्ड्स में इंग्लैंड से खेलेगा दूसरा वनडे। दूसरा मैच और वनडे सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया है बेताब। जनूबी कोरिया में जारी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय मर्दों की ट्रैप टीम ने जीता चांदी का तमगा। मुकाबले में तलाई तमगा स्लोवाकिया के हिस्से में आया जबकि कांसे का तमगा चीन ने किया हासिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भारत, इसराइल, मुतहदा अरब अमारात और अमेरिका के ग्रुप I2U2 के रहनुमाओं के पहले सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस वर्चुअल तरीके पर मुनक़िद होगी जिसमें इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म यायर लेपेट, मुतहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमेरिकी सदर जो बाइडन भी शरीक होंगे। ये तमाम रहनुमा ग्रुप के खाके से मुतालिक मुमकिना मुश्तरका मंसूबों और मफादात के दीगर उमूर पर गौर खौस करेंगे। साथ ही अपने अपने खित्ते और बाहरी इलाकों में तिजारत और सरमायाकारी में इक्तसादी शराकतदारी को मजबूत बनाने पर बातचीत करेंगे। ये मंसूबे इक्तसादी तआवुन के लिए मॉडल के तौर पर काम कर सकते हैं और सनअतकारों और कामगारों के लिए मौके फराहम करेंगे। I2U2 ग्रुप तश्कील देने का ख्याल गुज़िश्ता बरस 18 अक्टूबर को 4 ममालिक के वज़राए ख़ाजा की मीटिंग के दौरान सामने आया। इस ग्रुप में शामिल हर मुल्क तआवुन के मुमकिन शोबों से मुतालिक गौर व फिक्र के लिए मुकर्रा वक्फे से शेरपा सतह की मीटिंगें का एहतमाम करता है और ग्रुप का मकसद पानी, तवानाई, ट्रांसपोर्ट, खला, सेहत और ग़िज़ाई तहफ़ुज़ जैसे 6 खित्तों में मुश्तरका सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। I2U2 बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने में निजी शोबे के सरमाए और महारत को बरूएकार लाने, सनत के लिए कार्बन के कम अखराज के तरीक़े ढूंढना, सेहत आमा की बेहतरी और अहम उभरती हुई ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरक्की को फ़रोग देगा। कौमी जांच एजेंसी NIA की अर्नाकुलम की खसूसी अदालत ने आई
SIS को मदद फराहम करने के लिए 3 लोगों को कसूरवार करार दिया है। ये कसूरवार अफराद ममनुआ दहशतगर्द तंजीम के रुकन थे और शाम में ISIS में शामिल होने के लिए भारत से बाहर का सफर करने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिश से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधु दुर्ग, कोल्हापुर, सतारा, अमरावती और ठाणे के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर पालघर, नासिक और पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के सैलाब मुतासर इलाकों में स्कूल कॉलेज 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। शदीद बारिश के अलर्ट की वजह से गढ़चिरौली जिले में ज़रूरी काम करने वाले सरकारी दफातर को छोड़कर तमाम स्कूल कॉलेज और दीगर इदारे 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। और आसाम में सैलाब की सूरत हाल में मजीद बेहतरी आई है। कई नदियों की आबी सतह में कमी आई है। वहीं कुल हलाकतों का कोई ताज़ा मामला सामने नहीं आया है और इस साल 6 अप्रैल से अब तक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 192 अफराद हलाक हो चुके हैं। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में अब तक 7 अजला में 2,50,000 से ज़्यादा लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं, जबकि 651 हेक्टर ज़राई अराजी ताहाल पानी में डूबी हुई है। सैलाब से मुतासर देहात की तादाद कम होकर 349 हो गई है। इसके अलावा 71 रिलीफ कैंपों में 17,000 से ज्यादा लोगों ने पनाह ले रखी है। सैलाब मुतासर इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। अवाम को इमदादी सामान और सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इलाकाई मौसमियाती मरकज ने रियासत में अगले चंद दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने मानसून इजलास से पहले इतवार को कुल जमाती मीटिंग तलब की है। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी के जरिए तलब की गई इस मीटिंग में ऐवान में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। आइंदा पार्लिमानी इजलास में हिजब इख्तलाफ मुतअद्दिद उमूर उठा सकता है। काबिल जिक्र है कि NDA रहनुमाओं ने मानसून इजलास से कबल आगे की हिकमत अमली पर गौर करने के लिए 10 जुलाई को गौर खौस किया था। पार्लियामेंट इजलास के पहले दिन 18 जुलाई को नए सदर जमहूरिया का इंतखाब होगा और नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए 6 अगस्त को इंतखाब होगा। ये इजलास 12 अगस्त तक जारी रहेगा। हरियाणा के कुछ अराकीन असेंबली को मिलने वाली धमकियों का नोटिस लेते हुए वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने बुध को सीनियर अहदेदारों की मीटिंग तलब की और उन्हें इस मामले में फौरी और सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। ये इतला एक सरकारी बयान में दी गई है। बयान के मुताबिक खट्टर ने अफसरों से कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बयान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के एक और अहम अपोजिशन जमात कांग्रेस के 4 MLAs को धमकियां मिली हैं। अराकीन असेंबली को मोबाइल फोन पर धमकी देकर उनसे रकम मांगी गई है। खट्टर ने पुलिस अफसरों से कहा है कि रियासत के तमाम शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना पुलिस का फर्ज है, क्योंकि हरियाणा में गुंडों और मुजरिमों के लिए कोई जगह नहीं है। मुलाकात में पुलिस अफसरान ने वजीर आला को मामले की तहकीकात से आगाह किया। मीटिंग में वजीर दाखिला अनिल विज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा और पुलिस डायरेक्टर जनरल PK अग्रवाल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आलोक मित्तल ने शिरकत की। इस मुलाकात के बाद खट्टर ने ट्वीट किया कि किसी को भी रियासत में अमन अमान को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो लोग ऐसा करेंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। दूसरी जानिब हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने कहा है कि ये किसी और मुल्क का मामला है, क्योंकि जो फ़ोन आए हैं वो दुबई से आए हैं और तमाम फ़ोन एक ही नंबर से आए हैं। इसके लिए हमारी स्पेशल टास्क फोर्स हमारी कौमी एजेंसी के साथ रबते में है। हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे। मरकजी और रियासती हुकूमतें नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए मुसलसल काम कर रही हैं। हुकूमत की कोशिशों की वजह से नक्सलियों की सरगर्मियां अब बहुत छोटे इलाके तक महदूद होकर रह गई हैं। इसी सिलसिले में बिहार के गया जिले के लुटुआ थाना इलाके के हरदिया पहाड़ी पर नक्सलियों की नकलो हरकत की खुफिया इत्तला मिली, जिसकी बुनियाद पर मुहिम चलाई गई। पुलिस के अफसरान के अलावा
कोबरा 205 बटालियन, सीआरपीएफ 159 बटालियन और ज़िला पुलिस ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। टीम की तरफ से हरदिया पहाड़ी इलाके में तलाशी मुहिम चलाई गई, जहां डीएसएमडी के जरिए जांच की जा रही थी। फिर पहाड़ी की चोटी पर एक गार में जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने डीएसएमडी की तलाशी ली, तो एक बड़े पत्थर के नीचे से जोरदार बीप की आवाज आने लगी, और जिसके बाद करीब से देखने पर एक सफेद रंग का बैग नजर आया, जिसमें एक AK-47, दो मैगजीन, AK-47 जिंदा कारतूस के 250 राउंड और एक मैगजीन बरामद किया गया। और गया के एसएसपी ने बताया है कि तलाशी ऑपरेशन अभी भी जारी है। चंद रोज कबल भी इसी इलाके से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ था। उन्होंने कहा कि यह हथियार नक्सलियों के पास कहां से आए हैं या नक्सलियों ने इसे कहां से लूटा है, इसकी जांच की जा रही है। सूचना प्राप्त हुआ था कि हरदिया पहाड़ी क्षेत्र जो भुटुआ थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे कुछ नक्सल हलचल का, नक्सल गतिविधि का कुछ सूचना मिला था, जिसके चलते वहाँ पे एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 205 कोबरा, 159 सीआरपीएफ, एसटीएफ का अभियान था और जिला बल था। तो उसी में सर्च अभियान जब किया गया, तो पहाड़ी को दोनों तरफ से फोर्सेस ने घेरा और डीएसएमडी से वहाँ पे सर्च किया गया। तो एक गुफा वहाँ पे पाई गई, उसमें एक बड़े बोल्डर के नीचे कुछ आवाज़ आई, जिसको फिर सावधानी से वहाँ पे देखा गया, और वहाँ पे जब सर्च करने पे पता चला तो एक AK-47 राइफल बरामद हुआ है। उस सर्च ऑपरेशन में दो मैगजीन बरामद हुए हैं और AK-47 के 250 लाइव राउंड्स और एक मैगजीन पाउच जो दिख रहा है आपको सामने, वो बरामद हुआ है। और 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक मुल्क भर में तमाम बालिगों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज मुफ्त में दी जाएगी। मरकजी काबीना की मीटिंग में इसे मंजूरी दी गई। इत्तला-ओ- नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि काबीना ने गुजरात के वडोदरा में भारतीय नेशनल रेल अकादमी में गति शक्ति यूनिवर्सिटी के क्याम को भी मंजूरी दी है। इसमें ट्रांसपोर्ट से मुतालिक तमाम तरह की तरबियत दी जाएगी। इक्तसादी उमूर की काबीना कमेटी ने गुजरात और राजस्थान में तरंगा हिल, अंबाजी, अबू शाहरा पर नई रेल लाइन की तामीर को मंजूरी दी है। इससे खित्ते में राबता और आमदोरफ्त में बेहतरी आएगी। इस मंसूबे पर 2,798 करोड़ रुपए से जायद की लागत आएगी। 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी, पहले भी कुछ लोगों ने लगाया लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, या फिर 60 साल से ज़्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। मरकजी काबीना ने अपनी मीटिंग में तरंगा हिल, अंबाजी, अबू रोड को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की मंजूरी दी है। मरकजी वजीर इत्तला-ओ- नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 116 किलोमीटर तवील ये नई रेलवे लाइन सिर्फ 4 साल में तैयार हो जाएगी और इस पर 2,798 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि आबू, अंबाजी और तरंगा को रेलवे से नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 116 किलोमीटर की यह नई रेलवे लाइन मात्र 4 सालों में बनकर तैयार होगी। 2,798 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा और अगले 4 वर्षों में जब इस पे काम चल रहा होगा तो लगभग 40 लाख मैंडेज इसमें होंगे, जिसमें से लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और रोजगार स्वरोजगार के नए द्वार भी इस रेलवे परियोजना के माध्यम से खुलेंगे। मरकजी वजीर इत्तला-ओ- नशरियात ने कहा कि गुजरात के वडोदरा में वाकई गति शक्ति यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने को भी मंजूरी दी गई है। गुजरात में गति शक्ति
विश्वविद्यालय वडोदरा में इसको बनाया जाएगा, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसको लिया जाएगा और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट पहले चल रहा है लेकिन अब इसकी क्षमता और बढ़ेगी और ज़्यादा कोर्सेज उसमें चलेंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इसको देखा जाएगा। इससे लाभ क्या होंगे, क्योंकि जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में बनाने वाले हो तो उसके साथ साथ रिसर्च भी अच्छी हो, अध्ययन भी बेहतर हो, नए नए तरीके भी ढूंढे जाएं, स्किल्स भी उपलब्ध करवाई जाए और डिग्री और डिप्लोमा के कोर्स जहां स्किल्स में भी दिए जाएं तो बाकी भी अप्लाइड साइंस का काम भी इसमें करने का काम उस दिशा में हो। और मरकज ने सनअती इस्तेमाल के लिए हर साल तकरीबन 10 लाख मीट्रिक टन एग्रो ग्रेड यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए मुल्कगीर कार्रवाई शुरू की है। किसानों की तरफ से यूरिया के गलत इस्तेमाल की वजह से हुकूमत को हर साल तकरीबन 6000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हुकूमत हर थैले पर 2700 रुपए सब्सिडी देती है। पिछले 2.5 महीनों में हुकूमत ने मुख्तलिफ खुफिया कार्रवाइयों के जरिए 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी के लीकेज का मामलात की निशानदेही की है। मरकज किसानों को 266 रुपए फी बोरी की इंतहाई रियायती शरह पर यूरिया फराहम करता है। सनअती इस्तेमाल के लिए तकरीबन 13 लाख मीट्रिक टन टेक्निकल ग्रेड यूरिया की सालाना ज़रूरत है, जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख टन मुल्क में पैदा होता है। इंडस्ट्री 10 लाख टन से ज़्यादा की मतलूबा सतह के मुकाबले में सिर्फ 2 लाख टन दरामद करती है। कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ये कांवड़ यात्रा 26 जुलाई को सावन की शिवरात्रि तक चलेगी। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की बहुत अहमियत है। कांवड़ का सफर करने वाले लोगों को कांवड़िया कहा जाता है। सफर के दौरान भूखे अकीदतमंद दरियाए गंगा का मुकद्दस पानी कांवड़ में लाते हैं और फिर तवील सफर करते हुए इस पानी से शिव की पूजा करते हैं। बिस्नोली सर्वोदया ग्राम उद्योग सेवा संस्थान गाजियाबाद में सफाई का 15 रोजा प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। इसके तहत खोड़ा में लोगों में सफाई की किट्स भी तकसीम की गई और लोगों ने रैली के जरिए सफाई का पैगाम भी दिया। पेश है हमारे नामनिगार गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। हाथों में झाड़ू लिए सड़कों को साफ कर रहे ये हैं दिल्ली से मुतसिल गाजियाबाद में खोड़ा कॉलोनी के लोग। इन लोगों को सफाई की अहमियत से वाकिफ कराने के मकसद से गैर सरकारी तंजीम बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान इन दिनों सफाई का 15 रोजा प्रोग्राम मना रही है। इसके तहत लोगों को बेदार किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि खोड़ा को स्वच्छ रखें, स्वच्छ रखेंगे तो खोड़ा हम लोग को बीमारी नहीं होगी और कूड़ा इधर उधर नहीं डालें, कूड़ा डस्टबिन में ही डालें। कूड़ा बाहर नहीं फेंकेंगे, घर में भी पन्नी में डाल के फेंक देते हैं, उसमें भी मक्खियां लगती हैं। इसका ढक्कन रहेगा तो कवर रहेगा तो मक्खियां नहीं लगेगी, बीमारी भी नहीं होगी। कूड़ा रहेगा तो बीमारी होगा, बीमारी होगा तो हम लोग परेशान होंगे। यही बात कूड़ा कूड़ेदान में डालें यही कहते हैं हम। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की CSR पहले के तहत BSGSS की मदद से सफाई पखवाड़ा 2022 मनाया जा रहा है। इसके तहत खोड़ा के करीब 300 कुंभों को सफाई किट, खवातीन को प्रोटीन वाली मुकव्वी गिजा तकसीम की गई। BSGSS ने इस 15 रोजा प्रोग्राम की थीम स्वच्छता से आरोग्यता रखी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के CSR सौजन्य से बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, हमारी गैर सरकारी संस्था ने आज स्वच्छता से आरोग्यता तक की एक बहुत महत्वाकांक्षी चुनौती को निभाया है। यहाँ BPCL के जन आरोग्यम केंद्र से वहाँ एकत्रित लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए BPCL के लोगों की मौजूदगी में उनको ढक्कन वाले कूड़ेदान, इम्यूनिटी बूस्टर पैक्स और पौष्टिक आहार के लिए प्रोटीन पैक्स का वितरण किया भारी मात्रा में। इस मौके पर सफाई के सिलसिले में एक रैली का भी इनेकाद किया गया, जिसमें खोड़ा के बाशिंदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाजिर है कि खोड़ा को गाजियाबाद जिले का सबसे पसमानदा इलाका कहा जाता है, जिसमें ज्यादा तादाद बाहर से आकर रहने वाले मजदूरों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News, उर्दू खबरें।
और श्रीलंका के कायम मकाम सदर और वजीर आजम रानिल विक्रमसिंघे ने बुध को मुजाहिरीन के उनके दफ्तर पर धावा बोलने के बाद फौज से अमन बहाल करने के लिए जो भी जरूरी हो करने को कहा है। विक्रमसिंघे को मालदीव फरार होने वाले सदर गोटाबाया राजपक्षे से कायम मकाम सदर मुकर्रर किया गया है। विक्रमसिंघे ने स्पीकर से कहा है कि वो ऐसे वजीर आजम को नामजद करें जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए काबिल कबूल हो। ताहम नए सदर के लिए वोटिंग 20 जुलाई को होगी। दरियासना श्रीलंका में नाफिस कर्फ्यू आज सुबह 5 बजे खत्म हो गया। और विक्रमसिंघे से मुस्तफा होने के फैसले ने श्रीलंका में सियासी बहरान को मजीद बढ़ा दिया है। पहले ही मालियाती बहरान का शिकार मुल्क में मुजाहिरों की एक नई लहर फूट पड़ी है। सदर ने अवाम से वादा किया है था कि वो एक डेड लाइन के बाद मुस्तफी हो जाएंगे और वादा पूरा ना होने पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने श्रीलंका की सूरत हाल पर तफ्तीश का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि यह जरूरी है कि तनाजे की बुनियादी वजूहात और मुजाहिरीन की शिकायत का इजाला किया जाए। मैं तमाम जमातों के रहनुमाओं से अमन और जमहूरी तब्दीली के मुआहदे के जज्बे को अपनाने की अपील करता हूं। और पहले वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया की निगाहें आज लॉर्ड्स को फतह करने पर लगी हैं, जहां जीत से भारत इंग्लैंड की जमीन पर अपनी चौथी सीरीज कब्जे में कर लेगा। हालांकि टीम इंडिया को इस तारीखी मैदान पर गुज़िश्ता 15 साल से जीत नहीं मिली है। इस वक्फे में भारत ने यहां इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 2 में हार मिली है, जबकि 1 मैच टाई रहा है। भारत ने यहां इंग्लैंड के खिलाफ कुल 7 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 3 में जीत मिली है, जबकि इतने ही मुकाबलों में टीम इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में कमाल करने वाले जसप्रीत बुमराह को आईसीसी रैंकिंग में भी इसका फायदा हुआ है। बुमराह अब वनडे में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 19 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट को पीछे छोड़कर वनडे में बॉलर्स की रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की है। बुमराह को आईसीसी की ताज़ा तरीन दर्जेबंदी में 5 मकाम का फायदा हुआ है। T20 सीरीज के आखिरी मैच में सेंचुरी बनाने वाले सूर्या कुमार यादव को भी बल्लेबाजों की दर्जेबंदी में काफ़ी फायदा हुआ है और वो बल्लेबाजों की दर्जेबंदी में 5वें नंबर पर आ गए हैं। भुवनेश्वर कुमार T20 में टॉप 10 में वाहिद गेंदबाज हैं। और अहम बात यह है कि जसप्रीत बुमराह उन 3 गेंदबाजों में से एक हैं जो टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स में टॉप 10 रैंकिंग में हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली बदस्तूर 4थे और रोहित शर्मा 5वें नंबर पर मौजूद हैं। जनूबी कोरिया में जारी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में पृथ्वीराज टोंडाईमन, विवान कपूर और भुवनेश मेंदीरत्ता की भारतीय मर्दों की ट्रैप टीम ने चांदी का तमगा जीता है। गोल्ड मेडल के लिए इस मैच में टीम इंडिया को स्लोवाकिया से 2-6 से शिकस्त हुई है और इसे चांदी के तमगे पर ही मुतमईन होना पड़ा, जबकि 72 शॉट क्वालिफाइंग राउंड में भारतीय टीम ने 213 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त मकाम हासिल किया है, जो दूसरे नंबर पर मौजूद स्लोवाकिया से सिर्फ 1 पॉइंट आगे था। और आज म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन की बरसी है। उनके मद्दा आज भी उनकी मौसिकी के जादू में डूबे हुए हैं। मदन मोहन की बहुत छोटी उम्र में मौसिकी की दुनिया में जो मकाम बनाया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मदन मोहन राय बहादुर चुन्नी लाल कोहली इस भारी भरकम नाम के धारणकर्ता बॉलीवुड माया नगरी और संगीत प्रेमियों में मदन मोहन नाम से मशहूर है। वे बहुमुखी प्रतिभा के मालिक थे। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर।
और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में